दोस्तों स्पीड में मैच कवर करने वाले बायजूस असम T20 का जो कि मैच खेला जाएगा, अगर आप देखोगे तो डे आफ्टर डे का फर्स्ट मैच है, दिन में दो मैचेस खेले जाते, तो ये पहला मैच है मॉर्निंग का। और देखो तो एक और मैच है जो कि कुछ ही देर में मतलब ये भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बताना मुझे कमेंट करके ये वाला मैच कवर करिए MCA T20 कप, मुझे कमेंट के बताना ठीक है। फिलहाल की सोचे फोकस करता हूँ ये असम T20 से मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ऐसे मैचेस पे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो फाइन टीम के लिए फाइनल अपडेट्स के लिए कंफर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे जो उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली प्रोवाइड कर देते हैं डेडलाइन से 15 मिनट पहले। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे जो उसे ज्वाइन कर लेना, मैं सबसे आसान है सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, दोनों लिंक 100% काम करता है। बट मैं प्रेफर करूँगा यार देखो प्लीज़ ऑफिशियल ज्वाइन कर, मेरे नाम से बहुत सारे मतलब कि फेक चैनल्स है बट उस सभी सभी फेक है ठीक है। बट अगर आपको ऑफिशियल ज्वाइन करना है तो ऑफिशियल मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूँगा, जहाँ पे 42,000 से ज़्यादा लोग है ठीक है, 42,000 से ज़्यादा लोग। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम में सर्च मारने जाना, सर्च करना F11 Team, अगर आप सर्च करोगे बिना स्पेस देखे तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे 42,000 से ज़्यादा लोग है। तो टेलीग्राम चैनल यूज़ से जाएंगे बिल्कुल मिस मत करना, डेली फ्री मिनिंग टीम प्रोवाइड करते तो डेडलाइन से 15 मिनट पहले ऑफिशियल ज्वाइन करना, लिंक के थ्रू, लिंक 100% काम करता है, 42,000 से ज़्यादा लोग है। एंड बात करें दोस्तों ये देखो पहली बात तो बता दूँ क्लेरिटी के लिए लास्ट मैच का इसको कार्ड देखो ठीक है, इससे देखो दो टीम्स फर्स्ट फर्स्ट मैच एक एक मैचेस खेल चुकी है, तो अब लास्ट मैच इसको कार्ड से अच्छी टीम बन सकती है ठीक है। तो मैं फिर अगर किसी देखो अगर आपको स्टार्ट शेयर करूँगा यार, देखो सुबह मैच है तो उतना कोई स्टार्ट तो देखेंगे नहीं पहली बात, और अब इसी लास्ट मैच इसको कार्ड देखो, इससे मैंने आपको क्लेरिटी मिल जाएगा, पावर प्ले डेथ ओवर, साथ ही साथ आपको बैटिंग ऑर्डर भी कन्फर्म पता चल जाएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे ठीक। कहाँ गया मैच यार, ये रहा असम T20, तो ये रहा 7th मैच है, 8:30 में मैच स्टार्ट हो जाएगा, सबको पता ही चीज़ तो है। एंड बात कर दोस्तों ये ना मैच है MTI, तो देखते हैं सबसे पहले MTI का जो कि होनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर और लाइनअप्स। तो इनके टीम दस से जो है वह टीम से ओपन करते हैं वासीकुर रहमान के साथ ओपन करते हैं, वन डाउन टीम दस अभिषेक ठाकुर जो कि कैप्टन टीम विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ईशान अहमद जो कि फोर्थ नाइन बैटिंग करेंगे टीम दस से भी ठीक ठाक प्लेयर टीम दस से, उसके सौरभ शाह जो कि फिफ्थ नाइन बैटिंग करेंगे, बस आपको इतना ही बैटिंग ऑर्डर आपको याद रखना है इनका ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। थर्ड नाइन पर टीम दस से राजकुदन जो अहमद खेलते जा रहे हैं, बट आपको इतना ही याद रखना है ठीक है, ध्यान सुन लो याद रखना है कि जोए बुरा टीम दस से जोए बुरा ओपन करेंगे, वसीकुर रहमान के साथ ओपन करेंगे, वन डाउन विकेट कीपिंग करेंगे, अभिषेक ठाकुर जो कि टीम विकेट कीपिंग भी करेंगे, साथ ही टीम से वन नाइन बैटिंग, ईशान अहमद फोन है बैटिंग करेंगे। बात करते हैं इनके पावर प्ले में, तो MTI के पावर प्ले में फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग के थे MTI की टीम उधर से, टीम के कैप्टन अरूप दास जो कि कैप्टनसी कर रहे काफ़ी अच्छे पे टैलेंटेड है, फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग के थे टीम उधर से, और टीम उधर से इकोनॉमिकल बॉलिंग कराए थे, टीम 5.7 की इकोनॉमिक से बॉलिंग कराए थे, एक विकेट लिए थे। और राजकुदीन अहमद जो कि टीम उधर से ना था नीचे बैटिंग तो की बट दो ओवर बॉलिंग, बट अनफॉर्चुनेट जबरदस्त फिट आई हो गई थी। उसके अलावा अभिलाष गोगोई जो टीम से दो विकेट लिए थे, तीन विकेट लिए थे, फिर से किस कोरा जो 3 से 3 विकेट लिए थे, अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग रहे थे। और तो ये इनका बॉलिंग लाइनअप जो कि सबको याद रखना है ठीक है, बैटिंग ऑर्डर से सबको याद हो ही गया है और बॉलिंग लाइनअप से सबको याद होनी चाहिए। यहाँ पे ना बोरा ने टीम से 3 विकेट लिया था, और यहाँ बैटिंग ऑर्डर से देखोगे तो ये सेम ही है बैटिंग ऑर्डर। एंड बात करते हैं इनकी टीम इधर से, तो इनकी टीम उधर से ओपन करेंगे, देख लेते हैं रहा मैच, ये फोर्थ मैच खेल के आ रहे हैं, तो इनकी टीम उधर से ओपन करते KHA की टीम उधर से जे ओपन करते, जीतू अली ओपन करते रमेश रवानी के साथ ओपन करते टीम उधर से, दोनों डक पे आउट होकर चले गए थे पता ही अनफॉर्चुनेटली, तो पहली बॉल्स पर आउट हो गए, चार बॉल्स खेल के गए बट फिर भी 0 रन, 1 रन स्कोर नहीं कराया निहार, उसके अलावा निहार देखा जो कि टीम उधर से रन आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा टीम के कैप्टन जो फोन है बैटिंग के थे कुणाल सिंह, फोन है बैटिंग किए थे टीम से, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, फोन है बैटिंग 49 स्कोर किए थे, एक छक्का लगाए थे, 2 4 चौके भी लगाए थे टीम उधर से। रोमित शर्मा जो कि टीम उधर से फिर बैटिंग किए थे, और टीम उधर से इन्होंने 44 स्कोर भी किए थे, साथ ही टीम उधर से 4 चौके लगाए थे, स्ट्राइक रेट 120 के 1-2 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, इंपॉर्टेंट है टीम उधर से। उसके अलावा दानिश अहमद जो कि नीचे बैटिंग करें, इनको साइड पर सबको इतना ही बैटिंग ऑर्डर आपको याद रखना है ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है जो कि सबको याद हो गया होगा। जीतू अली ओपन करेंगे, रमेश रामिंग के साथ ओपन करें, वन डाउन निहान देखा जो कि वन में बैटिंग, कुणाल से फोर में बैटिंग करेंगे टीम उधर से, सही का टीम कैप्टनसी भी कर रहे हैं। एंड बात करते हैं इनकी टीम उधर से पावर प्ले, तो फर्स्ट पावर प्ले में आकाश सेन गुप्ता ने स्टार्ट किया था टीम उधर से, विकेट लेस गए बट अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी टीम उधर से। उसके अलावा जयमान जो टीम उधर से भी विकेट लेस गए टीम उधर से, फर्स्ट पावर प्ले विकेट गिरा ही नहीं। कुणाल शर्मा जो टीम उधर से ना
दो विकेट लिए थे, तीन विकेट लिए थे, और रोशन आलम जो कि दो विकेट लिए, तीन विकेट लिए थे और एक विकेट लिए थे, प्रीत सराय ने एक विकेट लिए थे, दानिश अहमद जो कि चारों बॉलिंग पाए थे और टीम उदस्य ने इकोनॉमिकल बॉलिंग कराया था टीम उदस्य। तो ये इनका बॉलिंग लाइनअप्स है और ये इनका बैटिंग ऑर्डर है जो कि सबको याद रखना है, ठीक है। एंड बात करते हैं वीडियो का सबसे मेन पार्ट, प्लेयर वाइज साइलेंस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। इससे मैंने आप देखो अब इससे आपका डाउट्स क्लियर हो गया कि हाँ यार बैटिंग ऑर्डर क्या होता है लास्ट बचे, और साथ ही साथ कौन कितने दिन बैटिंग करता है, कौन मतलब कितने अमाउंट बॉलिंग करता है। एंड बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस, देखो वीडियो को ना आखिर तक देखना, वीडियो को स्किप मत करा कि आप वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे इस वीडियो से। सिर्फ कितने घंटे बचे रखे यार, 5 घंटे बचे रखे, तो बात करें कहाँ हैं 4 घंटे बचे रखे, 5 घंटे भी नहीं अब तो। बात करें विकेट कीपर से लेकर उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर देना जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा। चैनल सबसे पहले को ऑन के ऑल पर चलाने वाले वीडियो से सबसे पहले को नोटिफिकेशन मिल जाए। बात विकेट कीपर सेशन, देखो आपको पता है डब्ल्यू रहमान भी ओपनिंग करते एट उसके लिए ए ठाकुर टीम दस अगर देखोगे तो टीम से काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर टीम विकेट कीपिंग भी करते, तो ये तो बाय डिफॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। डब्ल्यू रहमान ने लास्ट में स्कोर किए थे तो एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन अगर के सेकर की बात करोगे तो के सेकर का टीम दस है ना, कुणाल सेकर कैप्टनसी भी कर रहा है और ये फोन है बैटिंग कर रहे थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट भी है, तो तीनों विकेट कीपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हो सकते हैं, तो चाहो तो तीनों को कवर कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए एक ही विकेट कीपर ए ठाकुर के साथ जा रहा हूँ, अभी पहले मेन फेस से फोकस करते हैं, जैसे डब्ल्यू रहमान भी इंपॉर्टेंट है ऐसी बात नहीं, डब्ल्यू रहमान भी इंपॉर्टेंट क्योंकि टीम से ओपन कर रहा है, टीम से काफ़ी अच्छी पारी खेल के जा सकते हैं। बैटिंग सेशन से देखो आर शर्मा जो कि टीम से एक ओवरऑल ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, अगर इनकी टीम से बात करोगे तो ये टीम उधर से ना रोमित शर्मा ने 44 स्कोर किए थे टीम उधर से, तो आप इनके साथ जा सकते हो। अगर आप इनका बॉलिंग देखोगे एक से कितनी बॉलिंग नहीं पाते शायद, ठीक है कुणाल शर्मा ने बॉलिंग किया था, ये नहीं किए थे टीम उधर से, बट फोर ने बैटिंग फिर ने बैटिंग किए थे, तो आप इसे चाहो तो स्किप कर सकते हो। फिर ने बैटिंग है बट T20 मैच है तो बैटिंग आ भी सकती है, बट फिर ने बैटिंग है तो आपको इससे पता चल चुका है आप इनको ग्रैली टीम में ड्रॉप कर दिया है। एनडे का जो कि एक टीम से भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर आप इनके साथ जा सकते हो। वन आर बैटिंग है तो ये बाई डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आई एम जो कि ये भी ठीक ठाक रेटिंग्स आप इनके साथ जा सकते हो। नीचे देख लेते जय बोरा जो कि ओपन किया था, आर रवानी वगैरह कुछ खास है नहीं, तो जो लास्ट ऑप्शन है मुझे लगता है अभी लोग इसलिए ट्राई कर रहे हैं, रोमित शर्मा में ट्राई आई एम इंपॉर्टेंट है ऐसा देखोगे। अब आपके पास रिस्क लेने का टाइम आ गया, आप किसके साथ जाना चाहोगे मुझे कमेंट बताना, जो कि टीम उधर से फिर ना फिर रोमित शर्मा ने बैटिंग किया था, टीम उधर से एक अच्छे प्लेयर है बैटिंग स्कोर कर देते, लेकिन अपॉर्चुनिटी के मामले में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर देखोगे तो जय बोरा के पास जो कि हालांकि उतना बड़ा टैलेंटेड प्लेयर तो नहीं है, इसीलिए जा रहा हूँ अभी के लिए जे आर शर्मा के साथ। अगर मेरा माइंड अगर मतलब मुझे लगे कि हाँ यार रिस्क लेना है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ आर शर्मा को ड्रॉप करने का, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम है और इसके अलावा जे वगैरह ओपन करेंगे इसलिए इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, तो इनको आप चाहो तो कवर कर सकते हो। उसके अलावा डी अहमद इंपॉर्टेंट है, दानिश अहमद टीम उधर से ना पहली बात तो रोमित शर्मा के बाद इनके बैटिंग आता है, यानी कि फिर ना बैटिंग करेंगे तो ये सीधा बैटिंग करेंगे, प्लस 4 ओवर बॉलिंग पाए तो इकोनॉमिकल बॉलिंग इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर अहमद ये भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर टीम उधर से, अच्छी बैटिंग में कर लेते, बॉलिंग में टीम से 2 ओवर मिला था बट बहुत ज़्यादा पिटाई हो गया था। आकाश सेन गुप्ता इंपॉर्टेंट है, टीम से फर्स्ट पावर पे बॉलिंग किए थे, 3 ओवर बॉलिंग डाले थे, टीम से इकोनॉमिकल बॉलिंग कराए थे। ए दास भी इंपॉर्टेंट है, अरूप दास के साथ जा रहा हूँ, आर अहमद को ड्रॉप करके अरूप दास कह के टीम से पूरे अमाउंट में बॉलिंग भी कर रहे, एक अच्छे प्लेयर अरूप दास कैप्टनसी कर रहे, फर्स्ट पावर पे बॉलिंग कर रहे। अगर आपको बैटिंग बैकअप चाहिए तो आप राजकुमार अहमद के साथ जा सकते, राजकुद्दीन अहमद के साथ जो टीम से बैटिंग बैकअप को दे सकते, बट अरूप को अरूप दास है जो कि टीम से ना काफ़ी देखो सौरभ शाह के बाद इनका बैटिंग आएगा, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इनको कवर कर सकते हो, बट मैं ना जा रहा हूँ रिस्क लेने, टीम से फर्स्ट पावर पे बॉलिंग करें, कैप्टनसी कर रहे, टीम से अच्छे प्लेयर है तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ फिलहाल रिस्क लेने। अरूप दास से एक बार कंफर्म कर लो यार, देख लेते हाँ अरूप दास से है, इंपॉर्टेंट है टीम से, दोनों मैच में ड्रीम टीम में मिल चुके हैं। उसके अलावा आर आलम इंपॉर्टेंट है टीम उधर से, आप इनके साथ जा सकते हो। पी दास वैसे भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन टीम उधर से एक अच्छे प्लेयर है। अगर पी दास की बात करोगे तो पी दास एक ठीक ठाक इकोनॉमिकल बॉलिंग आया था क्या, देख लेते एक बार पी दास टीम उधर से, हाँ अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग कहता था 5.3 की इकोनॉमिक्स, यानी कि इनको इंपॉर्टेंट है टीम से पूरे अमाउंट ऑफ बॉलिंग कहते एक हो गए थे वैसे इंपॉर्टेंट टीम उधर से। नीचे देखो तो यहाँ पे ना के शर्मा भी इस मैच के लिए मिले जो कि 4 ओवर बॉलिंग पाए थे, नीचे देखोगे एच बोरा भी इस मैच के लिए जो कि लास्ट में 3 विकेट लिए थे, तो चाहो तो कवर कर सकते हो। अगर आप एक विकेट कीपर ड्रॉप करोगे तो कवर कर सकते हो, अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं हमें एक विकेट कीपर ड्रॉप करता आप किसके साथ मतलब ड्रॉप करोगे, डब्ल्यू रहमान को ड्रॉप करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ओपन करते तो मेरे हिसाब से फ्लॉप जा सकते, मैं डब्ल्यू रहमान को ड्रॉप कर रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है डब्ल्यू रहमान को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। एच बोरा क्या है कि 3 विकेट लिया था, विकेट लेके दे सकता है बट वो क्या कि एक दो रन पे भी आउट हो सकता, तो रिस्की ऑप्शन है, मेरी टीम बन चुकी है जिसका स्मॉल नहीं खेले जा सकता हूँ।
मैं अगर मट के तो पिक करूँगा कैप्टन के प्लेयर। आप देखें दानिश अहमद क्या है कि दोस्तों टीम जैसे एक अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, सिग्नल बैटिंग भी कर लेता है, पूरे अमाउंट बॉलिंग भी, ये तो बाई डिफॉल्ट एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए। आज मेजोरिटी सही ट्राई कर रहे हैं। आई अहमद भी काफ़ी सही है, ठीक है, आई अहमद के साथ भी जा सकते हो, फोर नाइन बैटिंग कर लेते, दो ओवर बॉलिंग भी पा सकते हैं, अच्छा प्लेयर ओवरऑल भी। तो ऐसे कैप्टन फिलहाल मैं जा रहा हूँ दानिश अहमद के साथ, वाइस कैप्टन जा रहा हूँ आर आलम के साथ जाओ या फिर किसी के साथ भी जाओ। आर आलम क्या है टीम से ठीक ठाक प्लेयर है, रोशन आलम, लेकिन कहीं ना कहीं लक साथ दे दिया होगा, विकेट लेके चला गया उतना, तो विकेट टेकिंग प्लेयर नहीं चलेगा, आप जा सकते हो उनके साथ। वाइस कैप्टन में अरूप दास वगैरह भी है, वाइस कैप्टन कोई भी इतना कंसर्न नहीं है, मैं सेफ ही जा रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है, आफ्टर टॉस में रिस्क वगैरह लेंगे, ठीक है। तो सेम टीम से अमाउंट अभी जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो, अभी के लिए अमाउंट आप सेम टीम से इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो जाके कुंटस को बुक कर दो। तो दोस्तों ये थी मेरी स्पॉल स्मॉल ही खेलूँगा, सेम टीम के साथ अमाउंट जाकर इन्वेस्ट कर लो, कोई ट्रम कार्ड पिक से तो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगी, स्क्रीन शॉट ले लो यार, ठीक है, एक सेकेंड ही सटा हो यार इसको, तो टीम का स्क्रीन शॉट ले लो जाके कुंटस को बुक कर दो। और कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर लाइनअप से पुटेलियाँ पे भी शेयर कर ही दूंगा, बैटिंग ऑर्डर तो आपको भी शेयर कर चुका, आर समय के ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूँ, इनको ड्रॉप करके वो एक्स्ट्रा प्लेयर ट्राई कर सकता हूँ, तो आपको टेलियाँ पे इन्फॉर्म करूँगा वो ट्रम कार्ड पिक्स अगर मुझे मिलेगा तो। 42 से ज़्यादा लोग तो आप लोग भी एक्टिव रहना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करना।